हम पढ़े हैं पेयर ऑफ वर्ड्स. अब बारी है पेयर नंबर 91 की. इसका पहला लफ्ज है THEIR, देयर. इससे मुराद है रिलेटिंग टू देम, यानी उनका या उनकी. जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं. वी लुक्ड आफ्टर देयर हाउस व्हेन दे वेंट ऑन अ ट्रिप, यानी जब वो सफर पर गए तो हमने उनके घर का ख्याल रखा. अब देखते हैं इस पेयर का दूसरा लफ्ज. इसे भी देयर पढ़ा जाता है, लेकिन दरअसल इसकी स्पेलिंग मुख्तलिफ है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेटर्स आर ई से पहले यहाँ अपोस्ट्रोफी के निशान का इस्तेमाल किया गया है, तो लिहाजा ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर, यानी ये दे आर की शॉर्ट फॉर्म है और इसे देयर पढ़ा जाता है. जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं. देयर बोथ लुकिंग फॉर द सेम बुक, यानी वो दोनों एक ही किताब को तलाश कर रहे हैं. तो दे आर से मुराद या देयर से मुराद है वो दोनों. अब देखते हैं अगला वर्ड पेयर. इसका पहला लफ्ज है थ्रू. इसका मतलब है पास्ट टेंस ऑफ थ्रो, यानी टू टॉस अवे, जिसका मतलब है फेंक देना या फिर किसी चीज को उछालना. जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं. When he threw the ball, it went over our heads and smashed the window. यानी उसने जब गेंद को उछाला या फेंका तो वो हमारे सरों के ऊपर से होती हुई निकल गई और उससे खिड़की का शीशा टूट गया. Smashed the window से मुराद है खिड़की के शीशे का टूट जाना. अब अगला वर्ड देखते हैं, ये है through. ये दोनों अल्फाज खासे मिलते जुलते हैं. इससे पिछला लफ्ज था थ्रू और ये है थ्रू. अब स्पेलिंग का फर्क देख सकते हैं. अब की बार स्पेलिंग है THROUGH, यानी फ्रॉम वन पॉइंट टू इट्स एंड, यानी किसी चीज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक. जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं. दे हैड टू बेंड देयर हेड्स टू मूव थ्रू द टाइनी डोरवे, यानी बहुत छोटे से दरवाजे के दरमियान से गुजरने के लिए उन्हें अपने सरों को झुकाना पड़ा. तो लिहाजा इस जुमले में लफ्ज़ थ्रू से मुराद है दरवाजे के एक तरफ से दूसरे तरफ जाना. इसी तरह से लफ्ज़ थ्रू को जुमले में इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मिसाल के तौर पर, दे केप्ट टॉकिंग थ्रू द लेक्चर. इससे मुराद है लेक्चर शुरू होने से लेक्चर ख़त्म होने तक, यानी शुरू से लेकर आखिर तक वो लेक्चर के दौरान बातें करते रहे. अब देखते हैं अगला पेयर. इसका पहला लफ्ज़ है TO2, यानी एक्सप्रेसिंग मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन, यानी इससे मुराद है किसी ख़ास जगह की सिमत में जाना. जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं. आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट, यानी मैं फल ख़रीदने बाज़ार को जा रहा हूँ. अब देखते हैं अगला लफ्ज़. ये है TOO2, यानी ये दोनों ही अल्फाज जो हैं वो हम आवाज़ हैं, लेकिन स्पेलिंग और मतलब इनके मुख्तलिफ हैं. अब की बार TOO2 से मुराद है एक्सेसिवली, यानी तादाद में बहुत ज़्यादा होना. जुमला देखते हैं. दे फेल्ट टू हंग्री आफ्टर द लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी. एक मरतबा फिर पढ़ते हैं. दे फेल्ट टू हंग्री आफ्टर द लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी, यानी बहुत लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद वो बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रहे थे. तो लिहाजा इस जुमले में लफ्ज़ TOO2 को बहुत ज़्यादा के मानी में इस्तेमाल किया गया है. अब देखते हैं अगला पेयर. इसका पहला लफ्ज़ है टॉर्चुअस, और इससे मुराद है फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी बहुत पेचीदा. जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं. द प्लेस इज ब्यूटिफुल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच इट ड्यू टू टॉर्चुअस रोड्स, यानी वो जगह तो बहुत खूबसूरत है लेकिन पेचीदा सड़कों की वजह से वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है. पेचीदा से मुराद है टेढ़े मेढ़े और दुशवार गुजार रास्ते. अब देखते हैं अगला लफ्ज़. ये है टॉर्चरस, यानी कैरेक्टराइज्ड बाय पेन और सफरिंग, यानी बहुत तकलीफ दे या दर्दनाक. जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं. आफ्टर अ लॉन्ग एंड टॉर्चरस डिजीज फाइनली शी फाउंड सॉलस इन द केयर ऑफ द ऑलमाइटी, यानी बहुत लंबी और तकलीफ दे बीमारी के बाद बिलाखिर उसे खुदा की अमान में पनाह मिल गई.
یعنی کسی کی وفات پر اکثر اس قسم کا جملہ کہا جاتا ہے. تو اس جملے میں لفظ ٹارچرس کو تکلیف دے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیر. اس کا پہلا لفظ ہے وین, V-A-I-N, vain. اس سے مراد ہے excessively proud or concerned about personal appearance, یعنی وہ شخص جو کہ خود پسندی میں مبتلا ہو یا اس کو خود پر بہت ناز ہو. اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے اور یہ ہے useless, یعنی بیکار. تو اب اس کے پہلے مطلب سے متعلق ایک جملہ دیکھتے ہیں. A vain person would always appreciate being praised, یعنی جس شخص کو خود پر ناز ہو اسے یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اب اسی لفظ کا دوسرا مطلب دیکھتے ہیں, useless یعنی بیکار. اور جملے میں اس کا استعمال دیکھیں گے. She made a vain attempt to catch a butterfly, یعنی اس نے تتلی کو پکڑنے کی ایک ناکام جستجو کی یا ناکام کوشش کی. اب دیکھتے ہیں اس پیر کا اگلا لفظ, یہ ہے V-E-I-N, vain. یعنی یہ دونوں الفاظ جو ہیں ہم آواز ہیں لیکن ان کے سپیلنگ اور مطلب مختلف ہیں. V-E-I-N, vain, اس سے مراد ہے blood vessels that carry blood from various parts of the various body parts to the heart, یعنی اس سے مراد ہے خون کی نالیاں جو کہ جسم کے مختلف حصوں سے خون کو دل تک پہنچاتی ہیں. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. Her vein got cut while slicing fruit, یعنی پھل کاٹتے وقت اس کی رگ کٹ گئی. تو vein کے لیے اردو میں رگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھے چند اور pair of words. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے, سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.